हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मार्किंग स्कीम शेयर कर रही हूँ। मिड टर्म एग्जाम क्लास 12 सब्जेक्ट रहेगा बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, फर्स्ट का आपका आंसर वी हो जाएगा, सेकंड का बी, थर्ड का सी हो जाएगा, फोर्थ का डी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का सी रहेगा, सेवन्थ का डी रहेगा, एट्थ का बी रहेगा, नाइन्थ का ए, टेंथ का ए हो जाएगा, इलेवंथ सी, ट्वेल्थ ए एप्टीट्यूड टेस्ट, थर्टीनथ का बी रूल, फोर्टीन का ए रहेगा, फिफ्टीन का बी, सिक्सटीन का डी रिक्रूटमेंट, सेवनटीन का बी, एटीन का बी, नाइनटीन का सी, ट्वेंटीथ डी, ट्वेंटी फर्स्ट ए हो जाएगा। ठीक है, ए बी ये जो आपको दिया गया है ये 21st का आंसर रहेगा। तो यहाँ से आप मैच कर सकते हो। ऑथेंटिक मार्किंग स्कीम होती है ये, जिसके अकॉर्डिंग आपका पेपर चेक होता है। ठीक है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस दिया गया है, और में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे इसमें आप लिख देंगे, ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद और में जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये बुलेट पॉइंट लिखेंगे और इनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन, तो ये थी आपकी मार्किंग स्कीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लगभग कितना, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, बट अप्रॉक्सीमेट ज़रूर पता लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 और में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32, थर्टी थ्री, थर्टी फोर, तो ये थी कंप्लीट मार्किंग स्कीम। आई होप आपने सारा पेपर जो बहुत अच्छे से किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।